हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। बेसिकली हार्ट का सबसे सिंपल टेस्ट है जिसमें हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम या करंट के एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता चलता है। एक हार्ट के करंट को मैपिंग करता है। ये ज्यादातर हर हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है और बहुत चीप टेस्ट है, 100-200 रुपए में हो जाता है। 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हार्ट अटैक के डिटेक्शन में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी व्यक्ति को तेज घबराहट, पसीना वगैरह हो रहा है, हार्ट अटैक का डाउट लग रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके ईसीजी कराना चाहिए। अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो 90% या 95% केस में ये हार्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन माइनर हार्ट अटैक या सिर्फ नलियों का अगर ब्लॉकेज हो तो वो इसमें इतना अच्छे से डिटेक्ट नहीं होता। माइनर हार्ट अटैक में इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 50% होता है। ब्लॉकेजेस के लिए इसमें इसका एडवांस वर्जन ट्रेडमिल टेस्ट करना पड़ता है, वो ईसीजी में डिटेक्ट नहीं होता। इसके अलावा हार्ट की कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटीज, हार्ट की गति कम होना, हार्ट की वाल्व्स की बीमारियां, हार्ट की स्नायु की बीमारियां, हार्ट की जन्मजात बीमारियां, ये सब बीमारियों के बारे में भी ईसीजी से काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है।